हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर यूजिंग साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन के बारे में मैं टेप सिमुलेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे चार ब्लॉक है। एक कंट्रोल सर्किट का है, एक इन्वर्टर का है, एक इंडक्शन मोटर का है और एक यहां पे मेजरमेंट का ब्लॉक है। ओके, तो अब हम यहां पे इंडक्शन मोटर के स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 10 HP की मोटर ली है जिसका रेटेड वोल्टेज है 400 वोल्ट और 1440 RPM का उसका रेटेड स्पीड है। कैलकुलेट करेंगे तो P इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। इस फॉर्मूला का यूज करके हम टॉर्क निकालेंगे। तो पावर हमको दिया है 7.5 किलोवाट, ओमेगा हमको पता है, इसको आरपीएम से ओमेगा यानी 2π n/60 करना पड़ेगा इसको ओमेगा निकालने के लिए। तो हमें फिर ये जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर टॉर्क मिलेगा। तो जो रेटेड टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी 50। इसीलिए हम इस इंडक्शन मोटर को 50 न्यूटन मीटर से ज़्यादा लोड नहीं करेंगे। तो इतना कैलकुलेशन होने के बाद हम इसको यहाँ से हम इसको टॉर्क देंगे। तो टॉर्क ये देने के लिए हमने यहाँ पे सिग्नल बिल्डर का यूज़ किया है। तो उसके अंदर हम देखेंगे तो क्या है कि इनिशियली हमने इसको 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया है। कितने सेकंड से 0.0 से लेकर 1.5 सेकंड तक हमने 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया है और फिर हमने इसको 48 न्यूटन मीटर तक ले गए है, रेटेड तक नहीं ले गए, थोड़ा कम रखा है। और 48 न्यूटन मीटर 1.5 से लेके 6 सेकंड तक हमने इसको 48 न्यूटन मीटर टॉर्क दिया है। तो जो ये टाइमिंग है वो एक बार आप खास ध्यान रखना, इससे हम एनालिसिस करेंगे फिर आगे। और ये जो है ए बी सी वो हमारे इन्वर्टर के आउटपुट आएंगे, वो हम यहाँ पे इन्वर्टर का आउटपुट कनेक्ट करेंगे। और ये जो M है यहाँ से मेजरमेंट ब्लॉक होता है, यानी हम इधर से 3 पैरामीटर इसके ले रहे हैं। तो उसमें से एक है रोटर की स्पीड, फिर टॉर्क और ये है स्टेटर करंट या सिंगल फेज का रे है कभी खाली के लिए। तो जो ये जो स्पीड आएगी वो हमारी ओमेगा में आएगी, रेडियन पर सेकंड में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये कॉन्स्टेंट ब्लॉक है और इससे डाउट पड़ेगा फिर वो हमारी स्पीड आएगी। तो यहाँ पे जो स्पीड होती है वो जनरली आप अगर पता होगा तो उसका जैसे वेरिएशन आएगा थोड़ा थोड़ा, उसमें नॉइज़ आएगा। तो वो नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर लगाए। तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेट वैल्यू आएगी, इसीलिए हमने ये फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का यूज़ किया है। और ये स्पीड ब्लॉक है जो हम उसको हम जब स्कोप में देखेंगे यानी डिस्प्ले में हम देखेंगे तो हमको इसके लिए ये सब कनेक्ट किया है। सेम है टॉर्क में भी ऐसे वेरिएशन आएंगे, उसको भी रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का यूज़ किया है। ओके, तो अब हम आते हैं इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर में क्या है कि ये 3 फेज इन्वर्टर है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसकी डीसी वैल्यू क्या रखनी है वो हम डिसाइड करेंगे। तो इसकी डीसी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी डीसी वैल्यू हमने 600 वोल्ट से नज़दीक रखी है, यानी 650 वोल्ट रखेंगे तब हमको आउटपुट में 415 या 440 वोल्ट मिलेगा। तो फिर ये जो है उसका ये IGBTs है और यहाँ से जो आएगा वो पावर मेजरमेंट करने के लिए ये ब्लॉक लगाया है और फिर ये जो आएगा वो सीधा इंडक्शन मोटर में जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कंट्रोल सर्किट है, उसमें क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड देने के लिए हमने ये सिग्नल कमांड जो सेम हमने टॉर्क में यूज़ किया था वही यूज़ किया है, ये स्पीड के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम स्पीड देखेंगे तो 800 स्पीड है। अगर आपको याद होगा तो उसकी रेटेड स्पीड थी 1440 RPM की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियली उसने स्पीड दिया है 800 RPM दिया है, 0 सेकंड से लेकर 2.5 सेकंड तक 800 RPM है। रिसेंटली राइज किया है जो 1440 RPM तक और वो
2.5 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक ये हमारी स्पीड है। तो अगर आपको जो टाइमिंग अगर याद होगा तो टाइमिंग हमने एक यहाँ पर लिया था, यहाँ से लिया है टाइमिंग, और तो यहाँ पे हमारा टॉर्क 48 है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू 48 है। फिर हमारा स्पीड भी बढ़ गया और टॉर्क भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमारी 48 है लेकिन स्पीड भी बढ़ गई है और टॉर्क भी बढ़ गया है। तो यह हमारा थ्री रीजन एनालिसिस होगा। तो इससे हम पता चलेगा कि मोटर का डायनेमिक्स हमें पता चलेगा कि कैसे होता है। ऐसे स्पीड दिया है और ये आप चिंता मत करें, ये जीरो ऑर्डर होल्ड क्यों लगाया है, वो सिमुलेशन की स्पीड इंक्रीज करने के लिए ये सब किया है। और ये जो है ये हमारी रेफरेंस स्पीड है कि हमें जो इंडक्शन मोटर से मिलेगी ना वो कितनी स्पीड है वो हम यहाँ से निकालेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पीड है इनपुट स्पीड, एक रेफरेंस स्पीड है। तो जो स्पीड आएगी वो हम सॉफ्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इसमें, तो जो स्पीड होगी वो डायरेक्ट इंक्रीज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है कि 1500 RPM तक पहुँचने के लिए उसको एक सेकंड का टाइम लगेगा, जिसे हमने रेट डिसाइड किया। और डी एक्सीलरेशन रेट भी सेम है कि जब मोटर की स्पीड डिक्रीज होगी तो ये रेट पर डिक्रीज होगी। फिर ये जो PID है वो क्या करता है, क्लोज लूप कंट्रोल के लिए PID का यूज़ किया है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने देखो तीन सैंपल लिया है। एक तो स्पीड है वो डायरेक्ट जो हम दे रहे हैं वो एक हिट लिमिटर के बाद की स्पीड दे सेंस कर रहे हैं, और एक एक्चुअल स्पीड जो मोटर से आ रही है वो तीन स्पीड हम का कंपेयर करेंगे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक थ्री फेस साइन वेव जनरेटर लिया है। यहाँ पे हमने जो ये जब कितना किया है उसके हम क्या मिलेगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो वोल्टेज है हमारा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर। सेम फ्रीक्वेंसी भी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारा फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों बढ़ेगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ऊपर जाएंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा, यानी एफिशिएंट नहीं होगा। तो 1 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते इसको। तो इसीलिए हमको जो लिया है ये कि हमने यहाँ पे कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पीड ऐसे लिया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। कहीं अदर डिजाइनर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके फ्रीक्वेंसी एज फ्रीक्वेंसी को MI के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, पर हमने यहाँ पे स्पीड को किया है। फिर ये जो है उसमें फिर ये सेचुरेशन ब्लॉक क्या करेगा कि ये हमारा आउटपुट को लिमिट करेगा कि अगर हम 415 वोल्ट मैक्सिमम चाहिए तो उसे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो लिमिट करने के लिए ये किया है। लेकिन ये क्या है, कंट्रोलिंग सिग्नल है। तो कंट्रोलिंग सिग्नल का जो इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारी इस रेफरेंस वेव के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके मैग्नीट्यूड से कम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इधर इसको 0.1 से 1 पे लिया है। और यहाँ पे सेम है, फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो भी करने के लिए हमने ये लिया है। और फिर ये जो उसका आउटपुट है ये थ्री फेज आउटपुट हमको मिलेगा, उसको हमने रेफरेंस वेव के साथ कंपेयर करके पल्स बनाए हैं। वो पल्स इन्वर्टर के स्विचेस को जाएंगे, यानी IGBTs को जाएंगे, IGBT स्विचिंग होगा, उसके कारण हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा अपने डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के हिसाब से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेजरिंग क्वांटिटी सब होगा वो यहीं पर होगा। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें जो हमने जो कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं हम यहाँ पे स्कोप के अंदर है। और फिर ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको वो है हमारी जो रेट लिमिटर से आउटपुट आया है ना, वो है रेट लिमिटर आउटपुट। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो हमारी एक्चुअल स्पीड है एक्चुअल। और ये जो इसमें सेम ये रेड कलर की लाइन है जो हमने रेफरेंस दिया है वो है
और ये जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी है, और ये हमारा करंट है, ये हमारा टॉर्क है, यहाँ पर लिखा है टॉर्क स्पीड एंड स्टार्टर करंट, तो आप प्रेफर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट है वो 25 एम्पीयर तक ही लिमिट किया है, क्यों? क्योंकि हमने सॉफ्ट स्टार्टिंग यूज़ किया है, इसीलिए हमारा करंट है वो 25 एम्पीयर से लिमिट हो गया, वरना वो 50 एम्पीयर तक जाता है अगर हम सॉफ्ट स्टार्टिंग यूज़ नहीं करते हैं तो। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी मैं थोड़ा यूज़ कर देता हूँ कि थोड़ा नीट लगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो स्पीड है वो हमारी ग्रेजुअली राइज कर रही है, और यहाँ से हमने देखो अगर हम टाइमिंग का नोट करेंगे तो हमारा जो चेंजेस है, जो हमने चेंजेस लाया है वो 1.5 सेकंड पे लाया है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए हमने 1.5 सेकंड पर हमारा टॉर्क को बढ़ाया था, ओके। तो देखो टॉर्क बढ़ गया है और एक्चुअल क्वांटिटी बढ़ गई है, यानी अभी हमारा रेफरेंस क्वांटिटी बढ़ गई है, एक्चुअल क्वांटिटी रेफरेंस क्वांटिटी बढ़ गई है, एक्चुअल क्वांटिटी अभी धीमे स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम अगर स्पीड को नोटिस करेंगे तो इस स्पीड में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, बहुत कम, क्योंकि क्लोज लूप है, इसीलिए देखो ये नियरली 10-5 आरपीएम या 13 आरपीएम गाड़ी पाएगा, बाकी नियरली ये लीनियर ही है। ये क्लोज लूप सिस्टम में देख सकते हो, ओपन लूप में देखेंगे तो यहाँ पे 70 का 80 का डिफरेंस आएगा हमारे स्पीड के ऊपर। फिर यहाँ पे अगर हमको टाइमिंग का, उन्होंने बोला था आपको खास याद रखना है, तो यहाँ पे अगर टाइमिंग का देखेंगे तो 2.5 सेकंड पर हमने स्पीड को बढ़ाया था लेकिन टॉर्क हमारा सेम था। तो यहाँ पे देखो स्पीड हमारी बढ़ गई है और टॉर्क हमारा सेम ही है। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा टॉर्क हमारा बढ़ गया। तो अगर आपको थोड़ा मोटर का डायनामिक्स पता हो तो अगर थोड़ी स्पीड को बढ़नी है तो टॉर्क को थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमको एक्सीलरेशन टॉर्क मिलेगा, तभी हमारी मोटर एक्सीलरेट करेगी। तो इसके लिए ये थोड़ा टॉर्क इंक्रीज हुआ है फिर और सेटल हो गया, जब हमारी स्पीड 1440 आरपीएम तक पहुंच गई है तब टॉर्क हमारा ज़ीरो हो गया है, सॉरी रेफरेंस के ऊपर सेटल हो गया है। तो यही था पूरा क्लोज लूप कंट्रोल का सिमुलेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मेगा 50 तो रेटेड टॉर्क कैसे कैलकुलेट